हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जहां पर के हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। और अगर मैं पार्टिकुलरली बोलूं तो लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हमने डिस्कस किया था रोडवेज के बारे में, जहां पर के हमने डिफरेंट टाइप्स के रोड्स डिस्कस किए थे, जिसमें के थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें और हमारे तमाम इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज को फॉलो करें टू गेट द इंफॉर्मेशन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड के ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है रेलवेज। यस माय फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज के बारे में भी। सो ये लेक्चर आपके क्लास टेंथ के CBSE एग्जाम्स के साथ साथ AMU और जामिया मिल्लिया के कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में, उसका डिस्टेंस हम ये जानते हैं कि 34 किलोमीटर था। यहां पर आपको बेसिकली बताना ये है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या था, यानी कि ये जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चली थी ये किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई टू ठाणे, बी मुंबई टू सूरत, सी दिल्ली टू लखनऊ या फिर डी दिल्ली टू मुंबई। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर के हम अभी जो प्रेजेंटली डिस्कस कर रहे हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट मजीद डिवाइडेड है तीन जगह पर, जिसका के एक पार्ट रोडवेज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ इस लेक्चर में अब हम एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं अबाउट द रेलवेज। देन जब हम रेलवेज की बात करते हैं तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क रखता है अपने पास, जिसकी के टोटल लेंथ है तकरीबन 1.23 लाख किलोमीटर। और ये है आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट मैप इंडियन रेलवेज का, जहां पर के आप देख सकते हैं वेरियस लाइंस। तो ये जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ये थ्री पैटर्न्स में या थ्री टाइप्स में पूरे कंट्री के अंदर डिवाइडेड है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पैटर्न्स हैं क्या, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये टर्म्स शायद आपने पहले सुन रखे हो या हो सकता है आप बिल्कुल पहली दफा सुन रहे हो। तो ये तीनों टर्म्स क्या है, क्यों है, ये मैं आपको समझा देता हूं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके लिए हमें दो पटरियां चाहिए होती हैं। तो ये जो तीनों आप यहाँ पर टाइप्स देख रहे हैं, ये बेसिकली पटरियों के बीच की जो लेंथ है ये इसी की वजह से डिवाइड किए गए हैं। जब कभी भी ये लेंथ हमें मिलेगी, यानी कि जो दोनों रेलवे लाइन्स हैं, यानी कि जो दो पटरियां जिन पर एक ट्रेन चलती है, उन दोनों पटरियों के बीच की अगर लेंथ है 1.676 मीटर तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉड गेज। अगर ये लेंथ है एग्जैक्टली 1 मीटर तो इसको हम बोलेंगे मीटर गेज। और अगर ये लेंथ है 0.762 या फिर 0.610 मीटर तो इसको हम बोलेंगे नैरो गेज। नैरो हम बेसिकली बोलते हैं पतले को। इसके पीछे जो बेसिकली फैक्टर्स हैं वो फिजियोग्राफी है, इकोनॉमी है और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जैसे कि आप
फिजियोग्राफी से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप जब कभी भी शिमला जाते हैं तो चंडीगढ़ तक आपको ब्रॉड गेज लाइन मिलती है, बट चंडीगढ़ से ही वहां से एक नैरो गेज लाइन डाली गई है, बिकॉज जो शिमला है वो कैसा एरिया है, वो है हिली और माउंटेनस, तो वहां पर ब्रॉड गेज लाइन नहीं चल सकती है, टेरेन वहां का इस काबिल नहीं वहां पर ब्रॉड गेज लाइन डाली जा सके, तो इसी वजह से वहां पर नैरो गेज लाइन को रखा गया है। और जो इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इसी ब्रॉड गेज लाइन का है, जो कि टोटल नेटवर्क का, वैसे मैं आपको ये बताता चलूं कि टोटल जो रेलवे नेटवर्क है वो है 1,23,236 किलोमीटर, इसमें से 1,17,560 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे जो है ये एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो चाहे या पैसेंजर्स को, ये इंडिया में पिछले 150 साल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फोर्स के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है काफी ज्यादा उसको ये हेल्प करता है, बिकॉज जैसे कि कंटेनर सर्विस आप कंसिडर कर लो कि शिप जहां पर कंटेनर्स डंप करेगा वहां से रेलवे लाइन के थ्रू कंटेनर्स को कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही नहीं बल्कि जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन कंट्री के डेवलपमेंट को ये एक्सिलरेट कर रहा है, उसके इंडस्ट्री को, उसके एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। तो इंडियन रेलवे जो है इसको 16 जोन्स में बांटा गया है, आजादी के बाद इसके जोन्स कम थे बट इसको टाइम टू टाइम रीऑर्गेनाइज किया जाता रहता है। नाउ प्रेजेंटली जो इंडियन रेलवे है ये 16 जोन्स में डिवाइडेड है, जहां पर कि मैंने आपको बताया ना कि ये मल्टीपल गेज्स में डिवाइडेड है। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, जिस रूट का के स्पेन था 34 किलोमीटर, ये किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए मुंबई टू ठाणे। यस माय फ्रेंड्स, इंडिया में जो सबसे पहली बार ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट को ही, जहां पर के हम रेलवे की शॉर्टकमिंग्स के बारे में मजीद डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साथ साइनिंग ऑफ, ओके बाय।